हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी है, तो प्लेलिस्ट के थ्रू जाएंगे तो ईजिली कोई भी चैप्टर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो प्लेलिस्ट हैं, जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी के लिंक मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो सबसे पहले जो वर्ड हमको दिया गया है, तो यहाँ पर ये तो नहीं बोला गया कि फोर लेटर वर्ड, थ्री लेटर वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। सिर्फ ये बोला गया कि ये जो हमारा वर्ड है मिसिसिपी, इस वर्ड के लिए हमको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं। आगे एक चीज ऐड करी गई है कि फोर आईज नॉट कम टुगेदर, तो इस चीज को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो वर्ड है मिसिसिपी, तो इस वर्ड को अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो भी लेटर्स हैं क्या वो डिफरेंट हैं सारे के सारे? नहीं। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो यहां पर आई कितनी है, 1, 2, 3, 4, और एस की बात करें तो एस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और पी भी है तो 1, 2। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, तो नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पहली चीज़। तो यहाँ पर हमारे जो दो फॉर्मूले हम अभी तक लगा रहे थे परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए, वो तो लगेंगे नहीं। ये वाला जो फॉर्मूला हमारा लगता है, ये किस कंडीशन में लगता है कि ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट होते हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहे और रिपीटेशन अलाउ रहता है तब हमारा फॉर्मूला लगता है n की डिग्री r, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं हमारे। लेकिन ये जो वर्ड हमको दिया गया है इसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं। i 4 टाइम आ रहा है, s 4 टाइम आ रहा है, p 4 टाइम आ रहा है। तो इस तरह का भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था जब इंट्रोडक्शन हमने देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जिनमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे आई 4 बार आ रहा है, एस 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला लगता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी। अब ये जो पी होता है हमारा, ये हमारा जिस तरीके से लेटर्स बढ़ते हैं उस तरह से पी भी हमारा बढ़ता है। जैसे हमारे पास एस कितने हैं, 4, पी कितने हैं, 2, आई कितने हैं, 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी 1, पी 2 और ये पी 3, ठीक है। बात आ गई समझ में। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं, इसलिए इस फॉर्मूले से हम इसके लिए परम्यूटेशन फाइंड करेंगे। पहली चीज़ इतनी बात आ गई समझ में कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके परम्यूटेशन फाइंड करेंगे। बाकी इसमें जो बोला गया है कि फोर आई नॉट कम टुगेदर, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी बाद में। सबसे पहले ये जो वर्ड है मिसिसिपी, इसके लिए सबसे पहले हम टोटल परम्यूटेशन फाइंड कर लेते हैं कि इस वर्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, ठीक। इतनी बात आगे समझ में। सबसे पहले एक एक करके चीज़ें समझेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये रवर था, मैं इसको हटा रही हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया कि ये फॉर्मूला हमारा कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेंगे लेकिन रिपीटेशन अलाउ रहता है। और ये जो फॉर्मूला है ये कब लगता है कि जब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट नहीं होते, एक से ज़्यादा बार आते हैं, ठीक। सो ये वर्ड है हमारा जो हमको गिवन है जिसके लिए परम्यूटेशन हम फाइंड कर रहे हैं, फोर आईज नॉट कम टुगेदर, ये समझाऊंगी बाद में। सबसे पहले इस वर्ड के लिए परम्यूटेशन फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि ये जो वर्ड हमको गिवन है इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल मतलब कि फिर वो अगर 2 बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। टोटल इसके अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं इस वर्ड में, तो आप देखें ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। बात आगे समझ में, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 11। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ आई, आई कितने हैं देखें ज़रा, 1, 2, 3, 4। एस कितने हैं, 1, 2, 3, 4। पी कितने हैं, 1, 2। सो यहाँ पर जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने सभी की सभी लिख ली कि नंबर ऑफ लेटर्स टोटल 11 है, वो हो जाएगा एन। आई कितने हैं, 4।
एस कितने हैं फोर, पी कितने हैं टू, सो पी वन पी टू पी थ्री ये हो जाएंगे। अब फॉर्मूला लगा के मिसिसिपी इस वर्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन जो है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक, सो फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी वन फैक्टोरियल पी टू फैक्टोरियल पी थ्री। तो मेन फॉर्मूला होता है हमारा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी, लेकिन जैसे ही हमारे जो लेटर्स हैं अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनको हम पी वन पी टू पी थ्री एंड सो ऑन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए अब वैल्यू पुट अप करेंगे, तो एन कितना है हमारा 11, पी वन है 4, पी टू है 4, पी थ्री है 2। इतनी बात आ गई समझ में। हमने क्या करा, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर दी, एन की 11 है, पी वन है 4, पी टू है 4, पी थ्री है 2। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो अगर इतना आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फैक्टोरियल वाली वैल्यूज है इनको हम सॉल्व करेंगे, तो टोटल परमिटेशन हमको मिल जाएंगे मिसिसिपी वर्ड के लिए। ठीक है, सो आप थोड़ा ध्यान से समझें। फैक्टोरियल 11 को हमने ओपन करा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4321 को हमने आगे ओपन नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल 4। ठीक है, सो इस फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल 4 हो गया कैंसिल। एक और फैक्टोरियल 4 था तो उसको हमने ओपन कर लिया, 432 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू 1 मतलब कि डायरेक्ट आ गया 2। ठीक है, अब बस इनको कैलकुलेट करके हमको सॉल्व करना है। सो देखें, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 8, 4 2 जार 8, और 2 से 2 कैंसिल, 3 2 6, इस 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब डिनोमिनेटर में आप कुछ भी नहीं बचा, जो भी बचा है वो न्यूमिनेटर में बचा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 34,650, मतलब टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन जो रहेंगे मिसिसिपी वर्ड के लिए वो हमने फाइंड किए हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि फोर आईज नॉट कम टुगेदर, मतलब कि जो चार आई रहेंगी वो साथ में नहीं आना चाहिए, वो परमिटेशन हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे अब, ये अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा रफली समझेंगे हम आगे की चीज़ को। सो देखिए, क्वेश्चन में आगे ये बोला गया कि फोर आई इज नॉट कम टुगेदर, जो चार आए हैं वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, राइट? ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ हम करेंगे। टोटल हमारे पास है, टोटल कितना है ये, इसमें से अगर हम माइनस किसको कर दें, जिनमें आए साथ में आया है, चार आए, टोटल कितनी प्लेस है हमारे पास 11, 4 फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और ये 11 प्लेस हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो चार आए साथ में आ रही हैं ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से। ठीक, और यही तो हमको फाइंड करना है, फोर आईज नॉट कम टुगेदर, तो ये चीज़ इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये देखना है कि फोर आईज कम टुगेदर जो है वो कैसे हमको फाइंड करना है, ये मेन चीज़ है। मैंने आपको फंडा बता दिया कि क्या करना है, ये टोटल है 34,650, इसके अंदर ये चीज़ भी आ रही है जिसमें आए चार आए साथ में आ रहे हैं, ये चीज़ भी इसी में है टोटल में। तो हम क्या करेंगे कि जिन परमिटेशंस में फोर आए जो हैं वो साथ में आ रही हैं वो फाइंड कर लेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक, तो चलिए अब ये जो रफली मैंने किया, मैं इसको हटा रही हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, हम उन परमिटेशंस को फाइंड करेंगे जिनमें जो आए कितनी हमारी 4, तो 4 आए साथ में आएंगी, उन परमिटेशंस को अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो रफ वर्क है मैं अब हटा रही हूं। तो अब इस चीज को आप समझें, वर्ड क्या है हमारा, मिसिसिपी, ये वर्ड है हमारा। ठीक है, यहां पर देखें पी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, एस है 4, आई है 4। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन में, कि आई जो है चार आई ये साथ में आएंगी, इसके लिए परम्यूटेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है,
चारों की चारों आय साथ में रहेंगी इसके लिए परम्यूटेशंस, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल हमारे पास वैकेंट प्लेस कितने हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि वर्ड कितने हैं हमारे, लेटर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। बात आ गई समझ में, तो 11 लेटर है इसलिए 11 हमने वैकेंट प्लेस लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि 4 लेटर या 3 लेटर, ठीक है। सिर्फ ये बोला गया इसके लिए परम्यूटेशन फाइंड करनी है, लेकिन चारों आय साथ में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी हम फाइंड कर रहे हैं जिसमें चारों आय साथ में आएंगी, ठीक। अब आप ध्यान से समझिए कि क्योंकि चारों आय साथ में आएंगे इसके लिए हम परम्यूटेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो चारों प्लेस हैं स्टार्टिंग के, इनको हम फिक्स कर देते हैं किसके लिए, आय के लिए। मतलब इन चारों प्लेस में आय है, चार आय साथ में आएंगी इसके लिए परम्यूटेशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये चारों आय को हमने साथ एक साथ कर दिया। अब क्योंकि ये भी आय है, ये भी आय है, ये भी आय है, ये भी आय है, तो अगर ये अपनी प्लेस इधर उधर करते भी हैं, अंतर तो कुछ आना है नहीं क्योंकि आय ही हैं। मान लीजिए ये वाला आय इधर आ जाता है, ये वाला आय इधर आ जाता, तो कोई अंतर पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गई बात, इतनी बात आगे समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, तो अभी तक तो हमारा एन क्या था, देखें स्टार्टिंग में अभी हमने सॉल्व किया, तो हमारा n कितना था यहाँ पर, 11, ठीक है, क्लियर, 11 अभी तक था। रीज़न क्या था इसमें कि पूरे के पूरे जो 11 वैकेंट प्लेस थे उनके अकॉर्डिंग हम कर रहे थे, लेकिन अभी जो हमको सॉल्व करना है उसमें हम i को लेकर कर रहे हैं कि जो i है वो स्टार्टिंग के चार प्लेस में रहेगी, ऐसे परमिटेशंस हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसको एक पूरा एक ब्लॉक लेके चल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये अगर ये चारों आय अगर अपनी प्लेस चेंज भी करती हैं तो हमारे जो भी वर्ड रहेंगे उनमें कोई अंतर तो आने वाला है नहीं, तो इस पूरे एक ब्लॉक को हम एक काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितने ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब वैकेंट प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8, बात आ गई समझ में, कितने ब्लॉक हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर एन हमारे लिए कितना हो गया, 8, ठीक है। और ये जो आय है इसको पूरा का पूरा हम एक ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ये आय है। अब हमको यहाँ पर n तो मिल गया 8 है, बाकी सॉल्यूशन जो होगा वो वैसे ही होगा कि p हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, s कितने हमारे पास, 4 हैं, और ये जो आय है ये हमने फिक्स कर दिया। आप यही मान के चलिए कि यहाँ पर हमने क्या फिक्स कर दिया है, आय इस पूरे ब्लॉक में आय फिक्स है, तो इसको तो हमको कुछ करना नहीं है, ये तो एज इट इज़ रहना ही है। बाकी जो परम्यूटेशन फाइंड करेंगे वो इतने पार्ट के लिए हम परम्यूटेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो n हमारा आ गया 8, बाकी s हमारा है 4, p हमारा है 2, इसके लिए अगर आप परम्यूटेशन फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका p1, ये हो जाएगा आपका p2। अब आप बोलेंगे आई भी तो 4 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूरा एक ब्लॉक हमने यहाँ पर पूरा एक कह सकते हैं इसको हम ब्लॉक, क्योंकि ये आय इधर से इधर कहीं नहीं होने वाली, ये चारों आय यहीं फिक्स हो गई हैं, ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक ही आय है, इतनी बात आगे समझ में, ये आय फिक्स हो गई है। बाकी अब परमिटेशन फाइंड करना है ये इस कंडीशन के लिए हमको करना है कि n हमारा हो गया 8, s 4 है, p 2 है, तो इसके लिए अगर परमिटेशन फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2। तो n कितना है हमारा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको वो परम्यूटेशन मिलेंगे जिनमें चार आय एक साथ आएंगी, ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये मैंने रफली आपको इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियर हो सके कि n हम 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो आय है ना चारों की चारों आय, इनको हमने फिक्स कर दिया है, ये फिक्स हो गई है अपनी स्टार्टिंग की चार प्लेस पे, ठीक है। तो ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, बाकी के जो ब्लॉक बचे हैं वहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, तो n हो गया 8, बाकी s हमारे पास 4 हैं, p हमारे पास 2 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगा के ये काउंट कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा ऐसे परम्यूटेशन जिनमें चारों आय एक साथ रहेंगी, ठीक। तो ये मैंने आपको रफली समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करेंगे, और बाकी ये जो रफ वर्क किया है ये मैं हटा रही हूँ, और आपको लगता है कि अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अगर आपको समझने के लिए ज़रूरत लग रही हो तो।
सो यहाँ पर देखें, जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी कि देयर आर फोर आय, यहाँ पर आय कितनी है, चार आय हैं, ठीक है, जो गिवन वर्ड है उसमें, ठीक है। व्हेन दे अकर टुगेदर दे आर ट्रीटेड एज सिंगल ऑब्जेक्ट, और जब वो एक साथ आएंगी, चारों आय यहाँ पर एक साथ आएंगी, तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होंगी, ठीक है। बात आई कुछ समझ में? ये चार ब्लॉक हैं जिनको हमने आय से फिक्स कर दिया है कि इन चारों ब्लॉक में आय रहेंगी, मतलब आय साथ में आ रही हैं, ठीक है। बाकी के जो ब्लॉक हैं उनको हमने अलग अलग रखा है, क्योंकि इसके लिए बाकी चीज़ के लिए कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि आय साथ में नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी हम फाइंड कर रहे हैं उन परमिटेशन को जिनमें आय साथ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ब्लॉक कितने हो जाएंगे हमारे, इसको हम एक ही ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। सो यहाँ पर n हमारा 8 हो गया, s हमारे पास 4 है और p कितना है, 2 है। इसके थ्रू हम परमिटेशन फाइंड करेंगे जिनमें आय साथ में आ रही हैं, ठीक है, चारों आय। तो ये हो जाएगा हमारा, तो देखिए इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको आगे सॉल्व कर रही हूँ। बात आई समझ में? सो नंबर ऑफ परमिटेशंस वेयर फोर आईज अकर टुगेदर, यानी कि चारों के चारों आईज साथ में आएंगी, उसके लिए परमिटेशन हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि देखें ये हो जाएगा हमारा पी वन, ये हो जाएगा हमारा पी टू, इसलिए फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू, ठीक है। बात आई समझ में? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको वो परमिटेशन मिलेंगे जिनमें आय साथ में आ रहा है, चारों आय साथ में आ रही हैं, ठीक। सो यहाँ पर देखें फैक्टोरियल 8 को हमने लिखा 8 × 7 × 6 × 5 × 4, 3, 2, 1 की जगह फैक्टोरियल 4 लिख लिया, जिससे कि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फैक्टोरियल 2 को हमने लिखा 2 × 1 = 2, सो अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2, 3 = 6, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, न्यूमिनेटर में बचा है 8 × 7 × 3 × 5, सो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा 840। मतलब कि ये वो परमिटेशन है जिनमें चारों की चारों आय साथ में आ रही हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल परमिटेशन हमने फाइंड करे थे उनमें से इस परमिटेशन को माइनस कर देंगे, जिससे हमको वो परमिटेशन मिलेंगे जिनमें आय नहीं आएंगे साथ में, ठीक। तो देखें एक बार और आप देख लीजिए, मैंने सबसे पहले आपको समझाया, ये तो सिंपल चीज़ थी कि जो हमारा वर्ड है मिसिसिपी, ये वर्ड है, क्लियरली दिख रहा है कि इसमें आय भी एक से ज़्यादा बार है, एस भी एक से ज़्यादा बार है, पी भी एक से ज़्यादा बार है, तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने परमिटेशन फाइंड कर लिया। लेकिन जैसे ही इसमें ये जो लाइन है ये जुड़ गई, फोर आईज नॉट कम टुगेदर, तो फिर हमको थोड़ा सा और देखना पड़ गया कि चारों आय साथ में नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करें। तो हमने क्या किया, चारों आय साथ में आएंगी उनको हमने फाइंड कर लिया। देखें ज़रा आगे, चारों आय साथ में आएंगी उसके परमिटेशन हमने फाइंड कर लिए, ये आ गए 840। और अब टोटल परमिटेशन में से इन चारों आय साथ में आने वाले परमिटेशन को माइनस कर देंगे, जिससे हमको वो परमिटेशन मिल जाएंगे जिनमें चारों आय साथ में नहीं होंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो चलिए देखिए, जो भी आपको लग रहा है कि आपको नोट डाउन करना है वहीं पर आप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ये सबसे पहले हमने फाइंड किए टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन मिसिसिपी वर्ड से। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अभी तक के जो क्वेश्चन थे उनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं यही बोलूँगी कि ये एक तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में चिपका दिया जाए, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके भी आपको दे दिया जा सकता है, ठीक है। सो ये टोटल परमिटेशन फाइंड किए, देन हमने उस कंडीशन को फाइंड किया जिसमें चारों के चारों आय साथ में आएंगी, ठीक है। और ये 840 परमिटेशन है जिनमें चारों आय साथ में हैं, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि चारों आय साथ में नहीं आएंगी उनके परमिटेशन, ठीक है।
सो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये मैंने लिखी है, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको मैं यहीं कहीं समझा सकूँ सारी चीज़, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी जब हमने सॉल्यूशन किया तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ परमिटेशंस क्या हैं, इतने हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ परमिटेशन जिनमें कि आए साथ में आया है चारों के चारों, वो ये हैं, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट परमिटेशंस ऑफ द वर्ड मिसिसिपी वेयर फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर। सो टोटल कितना है हमारा, इतना, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं उन परमिटेशन को जिनमें आए साथ में है। तो जिनमें आए साथ में उसको माइनस कर देंगे तो जो परमिटेशन बचेंगे वो हमारे पास वही बचेंगे जिनमें आए साथ में नहीं आएगा, ठीक है। सो यहां पर 34,650 में से 840 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 33,810, ठीक है। तो ये जो परमिटेशन हमने फाइंड करी है, ये वो परमिटेशन है इस मिसिसिपी वर्ड के जिनमें चार आए एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में क्लियरली, ठीक। सो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, बस एक चीज़ इसमें मेन थी। पहली चीज़ तो ये कि वर्ड था मिसिसिपी, आए भी चार हैं, एस भी चार हैं, पी भी दो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ इतना पूछा जाता कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परमिटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करते कि भाई हमने यहाँ पर एन फाइंड कर लिया, आई, एस और पी, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम सिर्फ परमिटेशन फाइंड कर लेते मिसिसिपी वर्ड के लिए, ठीक है। तो हमने इतना किया यहाँ पर, 34,650 हमारा आंसर आया। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में आपको बोला गया है डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर, चारों आई साथ में नहीं आनी चाहिए, वो फाइंड करिए आप। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने उन परमिटेशन को फाइंड किया जिनमें चारों आए साथ में आ रहे थे। तो चारों आए साथ में आ रहे थे ऐसे कितने परमिटेशन थे, 840, और टोटल में से हमने 840 को माइनस कर दिया जिससे हमको वो परमिटेशन मिले जिनमें चारों आए साथ में नहीं आ रहे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करके कराया। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो वहाँ पर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब मैं यहाँ पर समझा रही हूँ तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करती हूँ कि एक वीक से वीक स्टूडेंट को भी हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके, इसीलिए कई बार मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा रिपीट कर देती हूँ जिससे हर स्टूडेंट को एक एक चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा एक्सरसाइज 7.3 का, इम्पॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी है और ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।